हाँ जी नमस्कार दोस्तों, ताजी नौकरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके लिए हर टाइम हर समय न्यू अपडेट लेके हाजिर होती है हमारी टीम। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। 2 दिन पहले ही हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया गया था जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उनका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी शेयर की थी कि किस तरह से अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट देख लिया तो उनको आज एक नई अपडेट उनके लिए लेके आया कि पंजाब पुलिस के भीतर एक नया अपडेट जारी कर दिया गया। यह अपडेट कट ऑफ को लेके है और उसके साथ एक लिस्ट जारी कर दी गया कि जो जो स्टूडेंट्स फिजिकल के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, जिनको फिजिकल होने वाला है, सिर्फ उन कैंडिडेट का रॉ नंबर है जो वो इस लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो आप किस तरह से इस लिस्ट को देखेंगे और कितनी कट ऑफ गई है उसके बारे में पूरी जानकारी शेयर करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कट ऑफ का, वो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। अगर आप वहां से देखना चाहते हो तो वहां से भी देख सकते हो और हमने ये टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दिया ताकि आप आसानी से अपनी कट ऑफ देख सको कि आपके अगर इतने नंबर हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। पंजाब पुलिस रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल, तो इसमें कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ स्कोर है सेकेंड स्टेज में वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले बीसी क्लास के स्टूडेंट्स बॉयज के 67.08 या इससे जिनके ज़्यादा नंबर है वो स्टूडेंट्स फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें गर्ल्स की, फीमेल्स की, तो यहाँ पर फीमेल्स के लिए 59.15 या इससे ज़्यादा जिन गर्ल्स के नंबर है वो फिजिकल के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा EWS पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ 63.29 और गर्ल्स के लिए 57.17, तो इस नंबर तक के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको एलिजिबल है। इसके अलावा EX सर्वमैन जर्नल जिनके नंबर 50.40 या फिर 42 के ज़्यादा है वो बॉयज़ को एलिजिबल माना गया। इसके अलावा EX सर्वमैन BC कैटेगरी 48.67 नंबर वाले स्टूडेंट्स या इससे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया गया। EX सर्वमैन शेड्यूल कास्ट यानी कि SC MB कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 44.81 नंबर वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना गया। और 6 नंबर पर है EX सर्वमैन SC RO कैंडिडेट जिनके नंबर 49.42 है या इससे ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना गया। इसके अलावा जर्नल ओपन अनरिजर्वड स्टूडेंट्स के लिए 69.92 बॉयज़ के लिए जिनको एलिजिबल माना गया। इससे जितने भी ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिकल होगा और गर्ल्स की 64.01 या इससे ज़्यादा नंबर वाली गर्ल्स के भी एलिजिबल माना गया। इसके अलावा SC MB के स्टूडेंट्स की बात करें तो 59, तो हमने जो पहले एक वीडियो बनाकर आपको दिया है उसमें भी जो हमने एक गैस आपको बताया था कि इतने नंबर वाले एलिजिबल माने जाएंगे, तो सेम आप यहां पर देख सकते हो, सेम वही आपको पॉइंट मिलेंगे। एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बट जितना भी नंबर हमने बताया वो सेम है। तो SC RO के स्टूडेंट्स 66.25 बॉयज अते जो गर्ल्स है 59.15 और जो FF कैटेगरी है 14 नंबर वाले गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को एलिजिबल माना गया। और वार्ड ऑफ पुलिस पर्सन उनको भी 14 नंबर वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना गया। तो इस तरह से जो फिजिकल के लिए ये कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स को बुलाया गया। तो एक बार आपको दिखा देते हैं वो PDF जिसमें रॉन बनाए हैं, तो ये एक PDF है जो देख सकते हो आप पंजाब पुलिस के ऑफिशियल साइट की तरफ से जारी की गई है जिसमें सभी रो नंबर शेयर करेंगे जिन स्टूडेंट्स के जो नंबर है
वो एलिजिबल माने गए, यानी कि जिनके नंबर जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है फिजिकल के रिलेटिव, तो उन सभी स्टूडेंट्स का जो रॉ नंबर है वो यहाँ पर आ गया है। तो अगर आपका नंबर बुरे हैं और यहाँ पर रॉ नंबर नहीं आया, तो आप एक बार हेल्प डेस्क पर कमेंट जरूर करें, तो वो आपको बता देंगे कि किस वजह से आपका नंबर नहीं आया, और अगर नहीं आया तो वो आपका नंबर ले आएंगे। तो इस करके आप इस लिस्ट को देखें, इसमें अपना नंबर को सर्च करें कि आपका यहाँ पर रॉ नंबर है या फिर नहीं है, तो इस तरह से अपना रॉ नंबर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारी जानकारी इसी चैनल पर देंगे। थैंक यू।